बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं अवान टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की न्यूज़ रिपोर्ट में एक अहम तरीन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं बरवक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, आज ज़िला गुजरात के मजबूत तरीन सियासी रहनुमा हैं चौधरी अब्दुल रज़ाक कोटला, मुस्लिम लीग नून डिविजनल प्रेजिडेंट हैं। और चौधरी अब्दुल रज़ाक कोटला जो हैं इस वक्त अपनी पार्टी के जो बयानियां हैं उससे जो वो इख्तलाफ जो है वो रखते हैं और इस वक्त फ्रंट लाइन पर आ चुके हैं, क्योंकि चौधरी बरादरान जो हैं उन्होंने जो है वो अक्सरियत हासिल की है गुजरात में और क्लीन स्वीप कर दिया है मुस्लिम लीग नून को। इस पर चौधरी अब्दुल रज़ाक कोटला डट कर सामने आ चुके हैं और अपनी पार्टी के बयानिए से हट कर जो है वो चौधरी अब्दुल रज़ाक कोटला जो है फ्रंट लाइन पर हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो उनकी सियासत के ख़िलाफ़ डट कर जो है वो आइंदा जो है वो हुकूमत अमली का जो है वो ऐलान भी कर दिया है। और चौधरी अब्दुल रज़ाक कोटला ने जो है वो हंगामी इजलास आज जो है वो तलब किया है। चौधरी अब्दुल रज़ाक कोटला की ज़ेर सदारत ये इजलास होने जा रहा है जनाला हाउस में, नवाबजा दाहिरुल मुल्क का जो डेरा है उस पर यह इजलास होगा, जिसमें ज़िला गुजरात के जो साबिक टिकट होल्डर्स हैं और अहदेदारान हैं वो शिरकत करेंगे। और इजलास में ज़िला गुजरात की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसका जायज़ा लेकर अहम फ़ैसले किए जाएंगे। इस मीटिंग के जो भी जो तफसीलात हैं हम तक पहुँचती हैं वो आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।